अस्सलाम वालेकुम, आई मिस साइमा। व्हाट्स अप स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और पढ़ भी रहे होंगे। बेटा पढ़ें, ज़रूर पढ़ें, दिल लगाकर पढ़ें। अपनी मामा की हेल्प करवाएं किचन में, पेरेंट्स का कहना मानें। और इसके अलावा आपने मुझे बताना है कि पढ़ाई के अलावा आपकी क्या क्या एक्टिविटीज़ है, आपने मुझे नेक्स्ट वीडियो में ये भी बताना है। तो हमने मंडे को, कल हमने चैप्टर 7 की रीडिंग की थी, याद है सबको? हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ा था, किसी को याद है कि हमने प्लांट्स के बारे में क्या पढ़ा था? ज़रूर याद होगा, क्योंकि मेरे बच्चे माशाल्लाह बहुत लाइक हैं। तो चलें थोड़ा सा मैं फिर भी आपको बता देती हूँ कि प्लांट्स बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। प्लांट्स और ट्रीज़ की वजह से इन्वायरमेंट जो है वो साफ़ रहता है, पोल्यूशन ख़त्म होती है। इसके अलावा हम प्लांट्स से बहुत कुछ हासिल करते हैं, फ्रूट्स, नट्स, फ्लावर्स। प्लांट्स जानवरों को और परिंदों को जो है वो शेल्टर फार्म करते हैं, मेडिसिन हम इससे बनती हैं मिलके, परफ्यूम्स बनाते हैं इससे, लकड़ी हासिल होती है जिससे फर्नीचर बनता है। इसके अलावा हमने एक और चीज़ पढ़ी थी कि प्लांट्स जो हैं वो ज़्यादा ज़्यादा लगाने चाहिए, क्योंकि प्लांट्स जो हैं वो इन्वायरमेंट से जो पोल्यूशन है उसको रिड्यूस करते हैं। तो आप लोगों से कल मैंने सवाल भी किया था कि कैन योर क्लास प्लांट अ ट्री, तो शहरयार ने इसका आंसर भी किया था कि नॉट येट, वाकई हमने अभी तक कोई ट्री नहीं लगाया, लेकिन इंशाल्लाह जब हम स्कूल खुलेंगे तो हम ज़रूर इंशाल्लाह एक पौधा लगाएंगे। आप लोग भी बेटा अपने अपने हिस्से का एक पौधा लगाएं। अगर हमें अपने एनवायरनमेंट को साफ़ रखना है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाने हैं, तो हम स्कूल की तरफ से इंशाल्लाह लगाएंगे। लेकिन आपने भी बेटा, आपने भी कोशिश करनी है कोई एक पौधा लगाएं अपने हिस्से का। मैं भी एक अपने हिस्से का एक पौधा लगाऊंगी। हम सबको चाहिए कि अपने हिस्से का एक एक पौधा लगाएं। तो हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ा, हमें पता चला प्लांट्स कितने यूज़फुल हैं। आज हमने इसकी एक्सरसाइज करनी है। तो आज की बेटा डेट और डे मेंशन कर लें। ट्यूसडे, मंगल है आज, 15 दिसंबर 2020। 3 क्वेश्चन हमने करने हैं। मैं इनको आपके सामने रीड करूँगी, इनका मतलब भी बताऊँगी, ठीक है, और इनका आंसर भी आपको बताऊँगी। ओके, तो मैंने एक पेज पर इनको हल कर लिया, ठीक है, तो वो मैं आपके सामने पढ़ूँगी। ये देखें, मैंने पेज रेडी किया हुआ है, होमवर्क लिखा है, ट्यूसडे डे और डेट मेंशन की है, टॉपिक लिखा है प्लांट्स एंड एनिमल्स, मार्जिन लाइन लगाई है। तो हमारी क्वेश्चन है 3, उनको आज हम रीड करेंगे। इन विच वेज आर प्लांट्स यूज़फुल फॉर अस, किन तरीक़ों से प्लांट्स जो हैं वो हमारे लिए यूज़फुल हैं, यानी फ़ायदेमंद हैं। तो आंसर है इसका, प्लांट्स यूज़फुल फॉर मेडिसन, प्लांट्स मेडिसिन बनाने में मुफीद हैं। इट यूज्ड, इस्तेमाल होते हैं इन मेकिंग फर्नीचर बनाने में, फॉर फूड खाने के लिए, फॉर वुड लकड़ी के लिए, फॉर क्लीनिंग ऑफ एयर ETC उस हवा को साफ रखने के लिए। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ आर प्लांट्स यूजफुल फॉर एनिमल्स, प्लांट्स जानवरों के लिए कैसे मुफीद हैं। तो हमने चैप्टर में पढ़ा था ना, शेल्टर देते हैं और फूड भी देते हैं। तो आंसर हमारा है, प्लांट्स प्रोवाइड शेल्टर एंड फूड फॉर एनिमल्स, प्लांट्स जानवरों को पना, शेल्टर का मतलब होता है अपना, फूड खाना और खाना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, नेम सम थिंग्स दैट कैन बी मेड फ्रॉम प्लांट्स, कुछ चीज़ों के नाम लिखें जो कि प्लांट से बनती हैं। तो हमने 5 चीज़ों के नाम लिखे हैं। आंसर है, द 5 थिंग्स मेड फ्रॉम प्लांट्स आर फूड, मेडिसिन, वुड, शेड एंड परफ्यूम्स। वही चीज़ें जो हमने चैप्टर में पढ़ी थी, खाना, मेडिसिन, दवाएँ, वुड, लकड़ी, शेड, साया एंड परफ्यूम्स और खुशबुएँ। आपने बिल्कुल ऐसे ही नीट होमवर्क करना है, मार्जिन लाइन लगानी है, पेज रेडी करना है और मुझे होमवर्क करके उसकी पिक सेंड कर देनी है। सिर्फ होमवर्क ही नहीं करना, आपने इसको लर्न करना है और लर्न करके वीडियो बनानी है और वो आपने मुझे सेंड करनी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।